आगे भी मोदी आएगा, 24 में भी मोदी आएगा, और अगर मोदी आगे रहा तो और भी आगे मोदी आएगा। मोदी है तो सब कुछ है, मोदी है तो इंडिया है, मोदी है तो भारत है। राहुल गांधी जो दावे कर रहे हैं कि मोदी मैजिक देश से खत्म हो गया है, इस बार मोदी मैजिक देश से खत्म हो गया और 24 से भी खत्म हो जाएगा, क्या लग रहा है इस चुनावी नतीजे के बाद मोदी मैजिक बरकरार? मोदी मैजिक हमेशा बरकरार रहेगा और मोदी जी का इंटरनेशनल लेवल पर बहुत अच्छा प्रभाव है। जनता सिर्फ काम को देख के वोट देती है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं कि उस टाइम पे कौन राहुल गांधी है कौन मोदी है, हमें जो काम दिख रहा है इस टाइम पे सब जो बीजेपी गवर्नमेंट के अंडर जो सबसे ज़्यादा काम है वो मोदी गवर्नमेंट कर रही है, तो हमें उसी को ही मतलब आगे सपोर्ट भी करना चाहिए। और ये अभी तक तो 3-4 राज्य हैं, सब जगह बीजेपी आएगी, आगे भी मोदी आएगा, 24 में भी मोदी आएगा, और अगर मोदी आगे रहा तो और भी आगे मोदी आएगा। मोदी है तो सब कुछ है, मोदी है तो इंडिया है, मोदी है तो भारत है। पहली बात तो मोदी जी ने सबसे बढ़िया काम करा, और जो बोला था राहुल गांधी ने पनौती, वो अपने लिए खुद ही पनौती है, वो जब से पार्टी में ज्वाइन हुआ और जीत नहीं पा रही उनकी पार्टी, सबसे सबसे बेस्ट है मोदी जी। 5 राज्यों के चुनाव नतीजे आ रहे हैं, रुझान आ चुके हैं, 3 राज्यों में सरकार बन रही है मोदी जी की। इस बार जैसा माहौल चल रहा था 2024 को लेके और ये 5 राज्यों को लेके, 3 राज्यों में मोदी जी की सरकार बन रही है, बीजेपी की सरकार बन रही है। राहुल गांधी जो दावे कर रहे हैं कि मोदी मैजिक देश से खत्म हो गया है, इस बार मोदी मैजिक देश से खत्म हो गया और 24 से भी खत्म हो जाएगा, क्या लग रहा है इस चुनावी नतीजे के बाद मोदी मैजिक बरकरार? मोदी मैजिक हमेशा बरकरार रहेगा और मोदी जी का इंटरनेशनल लेवल पर बहुत अच्छा प्रभाव है, और मोदी गारंटी पर लोग हमेशा विश्वास करते हैं और उसको ही सही मानते हैं। राहुल गांधी कह रहे थे कि मोदी मैजिक खत्म इस देश से, फिर ना ऐसा कभी नहीं है, जब तक मोदी रहेगा तो मोदी ही रहेगा, अकेला एक सिंगल एक मोदी के बेस पे ही चुनाव लड़ा जाता है और मोदी पर जनता पूर्ण तौर पर विश्वास करते हैं, बिल्कुल 100%। इन राज्यों के चुनाव के नतीजों के बाद ये राहुल गांधी के जो दावे कर रहे थे हवा निकल चुकी है? बिल्कुल हवा निकल चुकी है, आगे भी मोदी आएगा, 24 में भी मोदी आएगा, और अगर मोदी आगे रहा तो और भी आगे मोदी आएगा। मोदी है तो सब कुछ है, मोदी है तो इंडिया है, मोदी है तो भारत है। मैम आपका नाम बताएं? मेरा नाम शिवलता। आप इनके वाइफ? हाँ जी। कैसे देखते हैं मोदी जी के पार्टी बीजेपी 3 चुनाव में जीत चुकी है, लग रहा है कि मोदी मैजिक चल गया? हाँ बिल्कुल चल गया, और सबसे बड़ी बात है कि हमें इंटरनेशनल लेवल पे सेफ है। पहले जो दूसरी कंट्रीज थी, जो आतंकवाद था वो उस पर बहुत ज्यादा कंट्रोल हुआ है। मैम आ गई है, कैसे देखती हैं 4 राज्यों के चुनाव के नतीजे आ चुके हैं, 3 राज्यों में बीजेपी जीत रही है, जो दावे किए जा रहे थे राहुल गांधी की तरफ से, एक तरफ था मोदी गारंटी और एक तरफ था राहुल गारंटी, क्या लग रहा है इस बार मोदी गारंटी वापस चल गया? हाँ जरूर चलने वाला है, मोदी ही जीतेगा और क्या। क्या करती है? मैं जॉब करती हूँ। कैसे देखती हैं ये 3 राज्यों के चुनाव, और भी कुछ ही 3-4 महीने के अंदर 2024 के चुनाव हैं, लोकसभा के चुनाव हैं, प्रधानमंत्री के चुनाव, लग रहा है कि इस चुनाव के बाद जो दावे किए जा रहे थे इन चुनाव में, और कि इस बार मोदी जी की मतलब हवा खराब होने वाली है, मोदी का मैजिक खत्म होने वाला है, और मोदी गारंटी जो दे रहे थे बीजेपी वाली मोदी फेस पे वो खत्म होने वाला है? जब तक मोदी जी है जरूर जीतेंगे बीजेपी वाले, तो बहुत अच्छा काम किया है, बहुत सारे ब्रिजेस फ्लाईओवर्स बनाया है, G20 हुआ है, और मतलब देश बहुत आगे चला गया दुनिया में भी, तो मुझे लगता है कि मोदी ही जीतेंगे इस टाइम भी। कैसे देखते हैं सर 5-4 राज्यों के चुनाव के नतीजे आ रहे हैं, बीजेपी 3 राज्यों में बहुमत से सरकार बनाने जा रही है, जो दावे किए जा रहे थे मतलब ये जो दावे किया गया था कि इन चुनाव के नतीजे 2024 में जो मैच फाइनल है उसमें नतीजे सेट करेगी, वो एक ट्रेंड सेट करेगी, लग रहा है ये राहुल गांधी और जो महागठबंधन का सपना था इन रुझानों के बाद देखते हुए सपना चकनाचूर हुआ है? हाँ, पूरा का पूरा जो सपना है उनका चकनाचूर हो गया, और वैसे भी जो बीजेपी है जो काम चल रहा है, जनता सिर्फ काम को देख के वोट देती है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं कि उस टाइम पे कौन राहुल गांधी है कौन मोदी है, हमें जो काम दिख रहा है इस टाइम पे सब जो बीजेपी गवर्नमेंट के अंडर जो सबसे ज़्यादा काम है वो मोदी गवर्नमेंट कर रही है, तो हमें उसी को ही मतलब आगे सपोर्ट भी करना चाहिए। और ये अभी तक तो 3-4 राज्य हैं, सब जगह बीजेपी आएगी।
हाँ जी हाँ जी। कहाँ कहाँ से हैं आप? कहाँ? मैं हिमाचल से बिलोंग करता हूँ और मैं डेंटिस्ट हूँ। मैं डेंटिस्ट हिमाचल में कौन सा डिस्ट्रिक्ट? ऊना। ऊना से आते हैं, वहाँ कांग्रेस की सरकार है सर। कांग्रेस सरकार है लेकिन वहाँ भी बीजेपी आनी चाहिए थी। मैं वहाँ पे अनसेटिस्फाइड हूँ कांग्रेस से। हाँ जी, ये नतीजे लग रहे हैं तीन राज्यों के नतीजों में, जितना पॉलिटिक्स हो रहा था मोदी जी के ऊपर, जो डायरेक्ट अटैक किए जा रहे थे, गालियाँ दी गई उनको, अब शब्द बोले गए हैं पनौती और जेबकतरा, इन राज्यों के चुनाव में बता दिया जनता ने कि प्रधानमंत्री के ऊपर जो अटैक किए जाएंगे वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा जनता। देखो, शेर के आगे जितने भी कुत्ते बोलते हैं और गिदड़ बोलते हैं वो पीछे ही रहते हैं। शेर शेर होता है और शेर ही आएगा इस बार। आपका क्या नाम है? कशिश। कैसे आप चुनाव नतीजे देख रही हैं, क्या रहा इस बार? चार राज्यों के जो रुझान आ रहे हैं, तीन राज्यों में बीजेपी सरकार बना रही है, लग रहा है मोदी मैजिक वापस? हाँ, चलाना चाहिए। हाँ, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो फिलहाल। तो राहुल जी कहाँ कमी रह जा रही है? राहुल जी से इस बार जो वादे करे जा रहे थे और राहुल गांधी जो बोले थे इस बार मोदी मैजिक खत्म है और देश भर में पूरा एक तरफा कांग्रेस और महागठबंधन जीतेगी, कहाँ कमी रहेगी राहुल गांधी? नहीं, राहुल जी को तो आना ही नहीं चाहिए बिल्कुल। नहीं, मुझे नहीं पसंद। आप लोग युवा हैं, एक सवाल मैं पूछूंगा युवाओं से जुड़े हुए। राहुल गांधी ने इस बार बोला प्रचार करते हुए कि मोदी जी ने 9 सालों में युवाओं के जो सपने थे वो चकनाचूर कर दिए हैं, उन्होंने जॉबलेस बना दिया सबको, बेरोजगारी है, महंगाई है, तो ये जो युवाओं के सपना चूर चकनाचूर है, इस नतीजों के बाद क्या पता लगता है, युवाओं के सपने चकनाचूर है या राहुल गांधी के सपने चकनाचूर हुए? राहुल गांधी के हुए हैं क्योंकि सभी काम कर रहे हैं और सबको ही मिल रही है रोजगार, दोनों ही मतलब सभी काम कर रहे हैं, बेरोजगारी भी नहीं है, इतनी नहीं है जितनी उनके राज्य में हुआ करती थी। तो एक ये जो मोदी जी को डायरेक्ट गाली और ये जो आप शब्द बोले जा रहे थे, एक राहुल गांधी ने अभी थोड़े दिन पहले उनको जेब कतरा और ये बोल दिया था, पनौती बोल दिया था, मनहूस, लग रहा है इस बार जनता ने बदला ले लिया राहुल गांधी से इन नतीजों के बाद? हाँ, ले लिया और आगे भी लेना चाहिए ऐसे ही। मोदी जी के ऊपर कुछ भी बोलेंगे सहन? हाँ, नहीं है सहन। आप क्या बोलेंगे? पहली बात तो मोदी जी ने सबसे बढ़िया काम करा, और जो बोला था राहुल गांधी ने पनौती, वो अपने लिए खुद ही पनौती है, वो जब से पार्टी में ज्वाइन हुआ और जीत नहीं पा रही उनकी पार्टी, सबसे बेस्ट है मोदी जी। वो आए हैं, राम मंदिर आया और रोजगार पे आते हैं, रोजगार पे ये है कि मोदी जी ने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च कर रखा है जिस पे आप अपने, उनने वर्क फ्रॉम होम मतलब काम के लिए दिया है, बिजनेस आप अपना खोल सकते हो, उस पर डाल सकते हो, अपनी इनकम कर सकते हो, क्योंकि तो रोजगार की जरूरत नहीं, आप अपना काम खोलोगे ज़्यादा प्रॉफिट है उसमें, तो रोजगार की जरूरत क्या, रोजगार तो है ही, वैसे बहुत रोजगार है। तो ये जो दावे कर रहे थे राहुल गांधी जी के, युवाओं के सपनों को मोदी जी ने 9 साल में चकनाचूर कर दिया, बर्बाद कर दिया है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मोदी जी ने बहुत अच्छा काम करा युवाओं के लिए, रोजगार है और बहुत सारे प्लेटफॉर्म खोल दिए युवाओं के लिए कि जिस पे अर्न कर सके, अपना बिजनेस खोल सके, अपना जो बैकयार्ड में जो काम कर सकते हैं, जैसे कि अपने घर में कुछ भी बनाते हैं तो वो एक ऐप पे जाके अपलोड करो, आप उससे बिजनेस कर सकते हैं कुछ भी। आप बताइए, तीन राज्यों में जो जीत हुई है बीजेपी की, मोदी जी एक तरह के मोदी के फेस पे तीनों राज्यों में चुनाव लड़े जा रहे थे, ये जो जीत हुई कितनी खुशी है आपको मोदी जी के फेस? बहुत खुशी है मुझे, बहुत ज़्यादा खुशी है, बहुत ज़्यादा खुशी है, बहुत ज़्यादा खुशी है। हाँ, हमेशा होना चाहिए, अच्छी बात है, मोदी के लिए तो खुशी है, कोई बुरी बात नहीं। अच्छा, आप लोग यंग है, अच्छा आप एक लास्ट सवाल पूछूंगा, आप लोग यंग है, आप लोग रील देखते होंगे जो इंस्टाग्राम पे ट्रेंड करता है, आजकल एक मोई मोई वाला रील ट्रेंड कर रहा है, तो लग रहा है ये लग रहा है नतीजों के बाद राहुल गांधी के साथ मोई मोई हो गया? मोई हो गया उसके साथ, हाँ हो गया मोई मोई। बताइए, राहुल गांधी के साथ मोई 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 होगा? पक्का मोई मोई होगा, और फिर से बीजेपी की सरकार आएगी 2024 में भी आएगी। प्रधानमंत्री अगर 2024 का चुनाव में राहुल गांधी फिर हार जाते हैं तो ये मोई मोई वाला चीज मोई मोई चलेगा, और डेफिनेटली पक्का है कि मोदी आएगा 2024 में। बताइए, उन्हें ही आना चाहिए, आना भी उन्हें चाहिए हमेशा, क्योंकि उनके उनके काम औरों से बहुत ज़्यादा अलग हैं और बहुत अच्छे हैं। आज के टाइम में तो आप उन्हें तो अच्छे बोल रहे हैं, आप उन्हें अच्छा बोल रहे हैं, राहुल गांधी तो उनको पनौती बोल रहे हैं, जेब कतरा की मेंटेलिटी दिखाती है ना कि वो कैसे सोच रहे हैं उनके बारे में, वो अपोजिट है तो वो उनके बारे में बुरा ही बोलेंगे, नेगेटिव ही थॉट रहेगा उसमें और वो लोग बोलेंगे ही नेगेटिव। अच्छा, हमारे लिए अच्छे हैं वो, हम सबको। अच्छा, चलिए, आप महिला हैं, आप वीमेन हैं, एक सवाल पूछूंगा, इससे जुड़ा हुआ सवाल पूछूंगा, ये जो राहुल गांधी की दावा करते थे कि महिला जो है इन 9 सालों में महिलाओं पे सबसे ज़्यादा अत्याचार हुए हैं, लग रहा है ये दावों में थोड़ा सा दम था राहुल गांधी के? हाँ,
ये जो बोल रहे थे इस बार इस महिलाओं को दबाया गया है, मोदी सरकार ने महिलाओं को दबाया, अधिकार नहीं दिया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पूरा अधिकार है सबको, महिलाओं को तो बोलने का मौका दिया है, उन्हें बोलने का मौका दिया गया है, हर जगह स्टैंड ले सकती हैं वो कहीं भी अब अपने लिए।